सोलन में बेशक कोरोना कर्फ्यू चल रहा हो, लोग अपने घरों पर हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता तकनीक की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस कोरोना संकट में वे आज समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लेकर इंटरनेट के माध्यम से बैठकों का दौर जारी है। इस संकट से बाहर कैसे निकलें और संकट में फंसे लोगों की सहायता किस प्रकार हो, इस पर भी विस्तार से इन बैठकों में चर्चा की जा रही है। सोलन भाजपा मंडल के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बैठक का आयोजन किया और अपने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और उन्हें समाज की भलाई के लिए कार्य करने के प्रति प्रेरित किया है। इस मौके पर भाजपा नेता भरत सैनी व विक्रम मिट्टू भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मदन ठाकुर ने बताया कि वे लगातार तकनीक की सहायता से भाजपा कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य सोलन में कोई भी प्रवासी और गरीब व्यक्ति कोरोना के संकट में भूखा ना सोए और अगर किसी को मदद की जरूरत है तो हमारे कार्यकर्ता उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे। जो आदेश देश के प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिए हैं उन आदेशों का वे पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री राहत कोष अंशदान करें, जिसके लिए बूथ के अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल की बीएलए की बैठक थी। इससे पूर्व में हमने 3 बैठकें की हैं, बूथ अध्यक्ष की, बूथ पालक की, सोलन मंडल के पदाधिकारी और राम केंद्र के हमारे प्रभारी। तो प्रदेश से जो कार्यक्रम हमको करने कार्यक्रम है, तो इस डीसी के माध्यम से हमने जो हमारे 4 फॉर्मेट हैं उनको बताए हैं और डिजिटल तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश पवन राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लोगों ने, जो हमारे कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़ करके उन लोगों ने इसमें भाग लिया है और प्रदेश के जो करनीय कार्य हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी जो कार्य करनीय हैं मंडल के लिए दिए हैं, उसको हम वीसी के माध्यम से हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ पालक हैं, बीएलए हैं और मंडल के जिले के पदाधिकारी हैं उनको इस वीसी के माध्यम से बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कि हमारे इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा अंशदान जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष को हमारे बूथ के अध्यक्ष जो है वो करवाएं, तो उसमें बड़ी सफलता हमने प्राप्त की है। दूसरी बात, आरोग्य सेतु ऐप जो है, जो आयुष्मान भारत से जुड़ी है और उसमें किस तरीके से लोगों ने अपने आप को स्वस्थ करना है, सेव करना है, तो जब वो उसको ऐप को लोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आप विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपके पोलिंग बूथ पर कोई भूखा ना रहे। गरीब मजदूर जो लोग लॉकडाउन में कार्य बंद थे, उस घड़ी में जो अपने आप को एक असहाय सा महसूस कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जो है उसमें उनकी बड़ी हेल्प की है और राशन किट भी प्रोवाइड कराई है, मास्क भी प्रोवाइड कराया है, दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराई है और गरीबों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारे लोगों ने जो है उसमें बड़ी सहायता जो है वो लोगों की है। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी इस कार्यक्रम उसमें लगे हैं महामारी में, डॉक्टर है और नर्स हैं, स्टाफ सफाई कर्मचारी हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनको भी सोलन मंडल ने जो है वो धन्यवाद पत्र दिया है ताकि उनको महसूस ना हो कि हमसे लाइन में अकेले हैं और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके इसमें चले हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है और इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है इन बातों को जो है हमने जनता तक जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुँचाया है और मुझे इस बात का गर्व है कि सभी लोगों ने इस नई टेक्नोलॉजी को जो है वो सराहा है और इसमें भाग लिया।